आपका नाम? सुल्ताना रजिया चमचम अनीस मचमच रजिया सुल्ताना बेगम। ठीक है मैं याद कर लूंगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछने की जरूरत कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बड़े शौक से। लेकिन मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ क्यों नहीं, पहले आप पूछिए। अच्छा तो ये बताइए, गाय बछड़े को जब जन्म देती है तो बछड़ा फौरन माँ का दूध पीने के लिए उसके स्तन को ढूंढ लेता है, उसे कैसे पता चलता है कि दूध वहाँ है? ये क्या सवाल हुआ? आप ही बताइए, जानवर तो बेजुबान होते हैं, हम इंसानों की तरह अपने बच्चे को बोल के बता नहीं सकते, फिर भी उनमें सोचने समझने की सहूलियत कैसे होती है? बिना बताए अपनी माँ के स्तन से दूध कैसे पीते हैं? This is a very very simple question. अगर ये सवाल आप मुझ जैसे टीचर से पूछने के बजाय एक आम आदमी से पूछेंगे ना, तो वो भी उसका जवाब दे देगा। ये सब कुदरत के करिश्मे, यू नो, जानवरों के बच्चों का अपनी माँ के स्तन को ढूंढने का सेंस फिफ्थ सेंस कहलाता है, पांचवा। अच्छा तो ये बात है, जानवरों को पांच सेंस होते हैं, फिर भी कुदरती तौर पे उन्हें सब पता चलता है, और इंसानों में छह सेंस होते हैं, फिर भी उनमें अकल ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत के आंचल में पलने वाला बच्चा जो बचपन से औरत को देखता आया है, समझता आया है, शादी के वक्त अचानक इतना ना समझ हो जाता है जो इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़ती है। बुरा नहीं मानना, मगर आप किसी स्टेनो या टाइपिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं जो आपसे ये कहे कि उन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस है तो आपको खुशी होगी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे शादी के 10 सालों का एक्सपीरियंस है तो क्या आप मुझे अपनाएंगे? अच्छा लगेगा आपको? आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, इट्स ऑल ओवर, क्लीन बोर्ड। नहीं, आप जरूर पूछिए, हो सकता है जो मैं नहीं जानती वो आप जानते हो, तो मुझे भी जान लेना चाहिए ना। ठीक है, औरत घर में दिया क्यों जलाती है? मुश्किल सवाल लग रहा है ना? कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, आराम से सोच कर बताइए, और अगर फिर भी ना बता पाई तो मैं बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग टू यू। अलग अलग औरतें अलग अलग मकसद के लिए दिया जलाती हैं। एक गरीब औरत अपनी कुटिया को रोशन करने के लिए दिया जलाती है, एक तवायफ अपनी महफिल को सजाने के लिए, एक पुजारन भगवान को खुश करने के लिए, और एक घरेलू औरत इसलिए दिया जलाती है ताकि उसके घर में लक्ष्मी आए, शांति रहे और सुख बढ़े। गुड, वेरी गुड। एक आखिरी सवाल, आपको गाना आता है? क्यों नहीं आता होगा, तो शादी नहीं करोगे? नो, दैट्स द पॉइंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी जब काम से घर लौटता है तो वो चाहता है कि बीवी उसका मन बहलाए, उसके हाथ पैर दबाए। हाथ पैर भी दबाना पड़ेगा? औरत साथ कोई गुलाम होती है क्या? अरे नाराज क्यों होती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वैसे महीने में कुछ दिन ऐसे भी होते जब आप लोग आराम करती हैं। तो क्या आप उस दिन मेरे पैर दबाओगे? क्यों नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे गाना आता है। तो फिर गाइए ना। उसके लिए आपको खूबसूरत वादियों में जाना होगा। गुड। जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। वेरी गुड। जहाँ एक तरफ आसमान से बातें करते हुए पहाड़ हो तो दूसरी तरफ पानी का खूबसूरत झरना। झरना? हाँ, और हम 30-40 लड़कियों के बीच घेरे होंगे